एक आइज़ अलगम वेलकम बैक टू फर एट सो फाइनली फाइनली आज आपके लिए एक और जबरदस्त ट्यूटोरियल लेके हैं पहली बात पिक्सार्ट में एटिंग इतना मज़ा आता है आज से ज़्यादा बाकी अपलिकेशन से ना ज़्यादा पिक्सार्ट में आता है लेकिन हमें रोलर का होता है ठीक है सलाद का होता है मेन चीज जब वो क्वालिटी लॉस कर जाता है सारे मजा उधर खिर खिरो जाता है तो इसके लिए अब आप मैं आपको सिंपल तीन जो स्टेप्स बता दूंगा जिसमें आपका काम हो जाएगा तो आपकी क्वालिटी लॉस जरा भी नहीं होगी सो और कुछ नहीं भाई जल्दी से लाइक कर दो सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब कर दो और विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट यार आप पिक्सल्स हाइक करने के लिए पिक्सार्ट में कैसे करेंगे ठीक है सो प्लस में करते हैं प्लस में जाते हैं ठीक है पहले मी पे जाएंगे और आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मेगा पिक्सल इमेज पे जैसा साइज पे जाकर ना देखिए तो बाइटफॉल ये फोर पे पड़ा होगा ट्वेल्व होता है किसी किसी मोबाइल में जिसका अच्छा मोबाइल हो डिवाइस जिसकी अच्छी हो सो मेरा एट पे जा रहा है तो मैं एट पे ही रखूँगा ठीक है सो ये डिफॉल्ट चेंज हो जाता है खुद ही तो आपने इसको सेट कर लेना है खुद ही ठीक है तो बार बार आपने देखते जाना है कि भाई फोर है तो एट कर देना है फोर है तो एट जरूर करना है ठीक है अगर एट है तो ट्वेल्व ट्वेल्व तक आपका जाता है तो ट्वेल्व तक आपने ज़रूर करना है तो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं पिक्चर एक ऐड कर लेते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे मैंने एट मेगा पिक्सल वहाँ पर सलेक्ट किया होता ना तो वो अभी थोड़ी बहुत गुचमुच करके अपनी एडिटिंग पेट वहाँ पर पे वर्क करते हैं कि भाई हो क्या रहा है ठीक है तो आपको दिखा देता हूँ कि पिक्चर्स की यानी कि साइज़ जो है पहले एट मेगा पिक्सल पर करते हैं ठीक है कि इसका है क्या थोड़ा बहुत फेस को आप लेके स्ट्रेच कर लेते हैं ठीक है थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसकी अपने बालों की ठीक है स्टेंट को तो यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे अभी यहाँ पे ये सेव हो गई नेक्स्ट चलते हैं फिर से मी पे जाएंगे और ऊपर सेटिंग पे जाएंगे ऊपर टॉप पे ना राइट साइड पे कॉर्नर पे होगा ठीक है तो पिक्सल पे जाएंगे ठीक है इमेज पिक्सल पे पहले क्या था हमारा एट था ठीक है तो पहले एट था तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम फोर मेगा पिक्सल पर रखते हैं आपको दिखा देते हैं कि भाई कितना कितना फर्क आता है ठीक है तो यहाँ पे ये हम पर जाएंगे और अपनी वही पिक्चर जो हमने पहले सेलेक्ट की थी उसी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है तो उसको भी यहाँ पे एडिट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से मैं टूल्स पे जाऊँगा एंड स्ट्रैच ले लूँगा और वार टूल से अपने बालों को क्या है स्ट्रेंथ कर दूँगा थोड़ा बढ़ा दूँगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो रहा है भाई थोड़ा सा साइज़ पावर इम्प्रूव बढ़ा के थोड़ा बहुत सीधा कर लेना ठीक है और यहाँ पर ये बिफोर आफ्टर हो गया सेव करते हैं और मैं अभी आपको यहाँ से इसको सेव करके दिखाता हूँ और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि भाई इसके पिक्सल्स कैसे बने हैं पिछले के कितने थे अभी इसके कितने थे ठीक है तो आ जाओ भाई आ जाओ चलते हैं गैलरी में चलते हैं गैलरी में चलते हैं तो मैंने आप पहले, पहले पहले अभी जो फोर मेगा पिक्सल थी वो निकालता हूँ फोर मेगा पिक्सल जो हमारा साइज़ था ना तो वो 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 यहाँ पर जाएँगे थ्री डॉट्स पर यहाँ पर आप देखो तो वन पॉइंट लिखा हुआ है ठीक है वन पॉइंट लिखा हुआ है तो ये तो हमारा हो गया फोर मेगापिक्सल वाला अभी नेक्स्ट वाले पे चलते हैं ठीक है थीके? जो हमने एट मेगापिक्सल पिक्सल सेव की थी एडिट करके एट मेगापिक्सल पे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टू पॉइंट थ्री एम बी ठीक है यानी कि एक एम बी पूरी की पूरी यहाँ पे बढ़ चुकी है सिर्फ एक स्टेप से हमारे तो इसमें हमारी फिर क्वालिटी भी बड़ी होगी ठीक है ये हो गया इसके बाद हम थोड़ा बहुत और मैं आपको यहाँ पर बता देता तो हूँ पिक्सल में फिर से आ जाते हैं उसी पिक्चर को लेकर जो हमने पहले पहले ग्राफर सेलेक्ट की थी तो यहाँ पर करेंगे क्या टूल्स भी जाएंगे ठीक है रिसर्च में आपको हमेशा बोलता हूँ रिसर्च कर लेकर पिक्चर करना रिसर्च करोगे तो फिर मज़ा आएगा तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो कुछ कुछ करके ना जैसे मैं बत्तीस सौ लिख रहा हूँ टाइप करूँ वो खुद बता देगा कि कितनी इस पिक्चर की लगा सकते हो एट मेगा पिक्सल पर ठीक है तो ये टू थ्री जीरो नाइन बता रहा है तो हम यहाँ पर वही टाइप कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर ये यह हो गया हमारा रिसाइज आप चाहे जितनी पी एन जीज ऐड करो जो जो भी करो जितना आपके पिक्चर का पहला साइज़ है वही कबाई रहेगा ये हो गया भाई यहाँ पर आपको एडियसमन वगैरह थोड़ा सा स्ट्रेंथ वगैरह लगा के दिखा देता हूँ ठीक है कि ये वर्क करता है सो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको हो जा एंड थोड़ी बहुत इसकी लाइट्स वगैरह छेड़ लेंगे तो पिक्चर्स सही बन जाएगी कुछ उछली वाली करने के ठीक है टूस भी जाते हैं एंड में भी जाते हैं और यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट्स वगैरह उस सीधा कर लेते हैं इग्नोर करना ठीक है ये स्टेप इग्नोरी कर देना कोई बात नहीं तो गुचड़ो ऊँच कर रहा हूँ कोई अच्छे से नहीं कर रहा ये वाला ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो हो जाए भाई हाँ बस एक साइज इसके शेडोज थोड़े से बढ़ा देते हैं अगर यहाँ पर ना ये वाला स्टेप हो गया ठीक है तो शेडोज़ वगैरह ये ए टू जी यहाँ पर तो मैंने ये कर लिया है थोड़ी बहुत क्वालिटी यहाँ पे लॉस नहीं हुई होगी जो हम एडिट करते हैं ना यहाँ पे हम यहीं से नहीं ड्रा टूल में जाकर सेव करेंगे तब जाके मेरी पिक्चर जो है जैसे रियल क्वालिटी थी वैसी की वैसी ही सेव होगी ड्रा टूल में हमेशा ही सेव किया करो ऊपर से ना वहाँ से किया करो ठीक है तो एक और लास्ट वाला है रिमिनी पर जाएंगे ठीक है वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है रिमिनी का रिमिनी डाउनलोड कर लो वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा वो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लिया आपकी पि उसी पिक्चर को सिलेक्ट करना है ठीक है जिसको आपने जिसके पिक्चर जो रफ की रफ पिक्चर थी ना उसी को मैंने यहाँ पे सलेक्ट किया और यहाँ पे देखें तो ये हमारे पिक्सल्स हाई कर दिए इसने ठीक है बिफोर एंड आफ्टर तो काफ़ी सारे यहाँ पर लुक आ चुका है मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले वाली पिक्चर और इस रिमिनी वाली पिक्चर में कितना फ़र्क है ये देखिए रिमिनी वाली और कितने हाई पिक्सल्स हो गए हैं एक एक चीज़ हमारी साफ़ नजर आ रही है तो ये हमारी पहले वाली पिक्चर थी ठीक है एक ये पिक्चर थी और दूसरी हमारी यही जो अभी हमने रिमिनिंग की हुई है ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में